अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल। देख रहे होंगे कि आंखों के ऊपर इतना ज़्यादा मेकअप है और मैं इतनी ज़्यादा तैयार हुई भी हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहीं पे फ़िलहाल तो नहीं जा रही, ऐसा सच कोई प्लान बन जाए तो कोई पता भी नहीं है। मेरे आंखों का मेकअप बहुत डार्क है, लिपस्टिक बहुत लाइट है, हल्का सा ब्लश है, ब्राउज़र है, सब कुछ है, और ग्रीन कलर का मैंने ड्रेस पहना हुआ है। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रही। ये सब आपके लिए किया है, तैयार हुए हैं हम लोग, क्रिएट किए हैं हमने आज एक, और हमारी बेसिकली द वीडियो, टुडेज वीडियो इज़ अबाउट अनबॉक्सिंग। आज हम अनबॉक्स करने लगे हैं अपने सफोरा के आई पैलेट को, जो कि हमने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं की थी। तो हम उसकी अनबॉक्स करेंगे और उससे आपको ये मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाएंगे कि ये हमने मेकअप लुक उसी पैलेट में जो चीज़ें मौजूद थी उससे हमने कैसे यूज़ की है। ठीक है, सो हम यूज़ करेंगे, वीडियो की तरफ चलते। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ये लुक मैंने कैसे क्रिएट की है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। जी तो ये रही हमारी मेकअप पैलेट विच इज सफोराज वाइल्ड विशेस। इसमें हमारे पास 86 कलर्स हैं, जिसमें हमारे पास 60 आई शेडोज हैं, 11 लिप ग्लॉसेस हैं, 3 जो हैं वो क्रीमी आईलाइनर्स हैं, 3 जो हैं वो ब्रॉस पाउडर हैं, 3 जो हैं वो हैं हाइलाइटर्स, 3 ब्लशेस हैं और 3 ही ब्रॉन्जर्स हैं, 2 हमें ब्रशेस दे रहा है ये पैलेट, और जिसमें एक आई शेडो है और एक कम्प्लेक्शन ब्रश है जो आप कर सकते हैं, और एक आई पेंसिल दे रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये दिखती है, आप देखें इसका सर्कल में कुछ इस तरह से है, तो इसको खोलते हैं। ठीक है, से इन्होंने पीछे से यहाँ पर ये दिया भी हुआ है, ये देखें क्या क्या है इसमें। जो ये है यहाँ पर, ये 3 है ब्रॉस पाउडर, ये जो 3 है ये जो बाहर की साइड पे सर्कल्स में है ये आई शेडोज हैं, ये 3 ब्लशेस हैं, ये 3 ब्रॉन्जिंग पाउडर्स हैं, ये हाइलाइटर्स हैं, ये क्रीमी आईलाइनर्स हैं, ये लिप ग्लॉसेस हैं, एंड दिस इज़ द ब्लैक पेंसिल, एंड दिस आर ब्रशेस, 2 ब्रशेस। ओके, अब इसको खोलते हैं। ये सुपर ग्लासी सा है, इतना ग्लासी है कि इसने मुझे अपना भी हमें शक्ल चुकल भी दिख रही है। ये देखिए आपको मेरी रिंग लाइट दिख रही है, दिस इज टू ग्लासी। ठीक है, तो इसको खोलते हैं। हमने इसको खोला, जिस तरह से है इसका ये जो यहाँ पर एक छोटा सा मिरर हमें दिया हुआ है सफोरा का, सफोरा वालों ने यहाँ पर एक ये एक जो है वो टाइगर बना हुआ है, और यहाँ पे गोल्डन, रेड एंड पिंक कलर के शेड्स दिए गए हैं, कलर्स दिए गए हैं, आपके कलर्स को डिस्क्राइब किया गया। मैं इसमें से ज़रा आपको बता दूं, ये जो हमारे पास हैं ये सारे, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, अच्छा ये देखें शायद ये आपको दिख रहा होगा, ये भी लिखा हुआ है ब्राउ पाउडर्स 1, 2 और 3, ये 1 ब्राउ पाउडर्स है, ये 1, 2 एंड 3, दीज 3s 1, 2 एंड 3, दीज 3s आर हाइलाइटर्स, ओ सॉरी ब्लश ऑन्स, 1, 2 एंड 3 ये ब्रॉन्जर्स हैं, 1, 2 एंड 3 ये हाइलाइटर्स हैं, बाकी के बाकी ये सब जो हैं वो ये जो बाहर सर्कल्स में हैं, दीज आर आई शेडोज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 हमारे पास आई शेडोज हैं।
यहाँ पर ये हमारे पास जेल आईलाइनर्स है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास ब्रशेस है और आई पेंसिल है। तो इससे थोड़ा सा मेकअप करके देखते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। फेस को मैंने प्रेप कर लिया है, फाउंडेशन से पहले मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लिया है, अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी फेस में कुछ भी नहीं है, पहले भी नहीं था। इसमें क्योंकि फाउंडेशन नहीं है तो ये 107 है, डर्मा मेकअप कवर कैबरिनी की, ठीक है। सो ये थोड़ा सा लूँगी मैं, बिल्कुल लाइट सा। जो भी करूँगी, ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए ब्रश यूज़ करूँगी, बट आई शेडोज मैं हाथ से ही लगाऊंगी, पसंद करूँगी हाथ से लगाना। कौन सा कलर लगाओ, ग्रीन कलर लूँ, ठीक है। सो हम टेक्निक यूज करते हैं वो ग्रीन, सेंटर में ग्रीन लगा रही हूँ कुछ इस तरह से। सी यहाँ पे मैं ब्लैक लगा रही हूँ, ऑलवेज पिंक 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 पिंक, ये रहा पिंक। यहाँ पे मैं ये पिंक लगा रही हूँ, ये तीन कलर्स मैंने तीन कलर्स लिए।
जी, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, मीन्स लाइक, ऑल्सो शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब मस्ट है। मेहंदी देखेंगे, देखें मेहंदी, मेहंदी का कलर डल हो गया है, इंशाल्लाह इन दोबारा फिर मेहंदी पे एक वीडियो दोबारा बनाएंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।